सिर्फ बचे हैं 1.5 महीने, लेकिन आईपीएल के सामने इस समय आ चुकी हैं ये 3 बड़ी टेंशन्स। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1167वां एपिसोड। आज 6 फरवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो मुंबई इंडियंस के नए कोच मार्क बाउचर ने बड़ी बात कह दी है बंबई की कप्तानी को लेकर। दरअसल दोस्तों, हमने आपको बताया था और अब तो जग जाहिर है कि अब नए कप्तान मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या होंगे और मुंबई इंडियंस के फैंस को यह बात पच नहीं रही है। इस पर दोस्तों मार्क बाउचर ने एक बड़ा बयान दे दिया। इन्होंने कहा है, मैनेजमेंट वांट टू रिलीव रोहित फ्रॉम कैप्टेंसी बर्डन। भैया मैनेजमेंट मतलब जो मालिक थे वो ये चाहते थे कि रोहित शर्मा को जो बर्डन है कप्तानी का उससे आराम दिया जाए और वो सिर्फ एज ए बल्लेबाज की कैपेसिटी में खेले। दैट्स व्हाई भैया उनको रातों रात कप्तानी से हमने हटा दिया और हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया। वो खिलाड़ी जिसने आपको 5 आईपीएल के खिताब जिताए उसके ऊपर कप्तानी बोझ थी, ये कहना चाह रहे हैं मार्क बाउचर। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या पगला वगला गए क्या भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। रोहित जैसा कप्तान जिसने 5 खिताब दिए उसके सिर के ऊपर कप्तानी बंबई की बोझ लग रही थी, तो बोझ से मुक्त कर दिया। आज की डेट में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कैप्टन में इंडिया में स्पेशली इन आईपीएल रोहित शर्मा का नाम आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा भैया क्या चल रहा है, चाहे वो विराट हो चाहे वो रोहित हो, इन दोनों खिलाड़ियों को इंटरनेशनली बीसीसीआई भी देख लो और टीमें भी देख लो बहुत टारगेट कर रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि बीसीसीआई में भी हम देख चुके हैं विराट कोहली रोहित शर्मा को इस टीम से बाहर कर दो, वर्ल्ड कप से बाहर कर दो, कप्तानी से बाहर कर दो, क्या है भाई ये, ग्रेट है हिंदुस्तान के ये दोनों, समझ नहीं आ रहा है यार। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की, यहाँ से बात करते हैं तो शिखर धवन के हवाले से रिपोर्ट है। शिखर धवन ने आईपीएल 2024 से पहले बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कहा, मैं सेलेक्टर्स को जवाब दूंगा, आई एम गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल इन 2024। बेशक मेरी उम्र ज्यादा हो गई है लेकिन आईपीएल में बहुत कंसिस्टेंट रहा हूं और इस साल का आईपीएल में बहुत इंजॉय करने वाला हूं। तो भैया शिखर धवन ने एक तरह से ललकार दे दी है टीम इंडिया के सेलेक्टर्स को। रातों रात धवन को भी टीम इंडिया से बाहर किया गया था, रेस्ट के नाम पर धवन को बाहर किया गया था और उसके बाद वो कभी एंट्री ही नहीं ले पाए। मतलब अब तो ये कहा जा रहा है एज फैक्टर है, 37-38 साल के हो गए, बीसीसीआई नहीं लाएगा, लेकिन धवन कह रहा है मैं आईपीएल में ऐसा प्रदर्शन करूंगा कि आप वर्ल्ड कप में मुझे लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि आईपीएल का प्रदर्शन बहुत मायने रखेगा वर्ल्ड कप में एंट्री के लिए, और मान लो धवन ने अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो बीसीसीआई को भी बड़ा परीक्षा हो जाएगी, क्या लेंगे ये लोग धवन को, एज फैक्टर के कारण बाहर कर दिया। आप बताओ अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया एक दफा फिर मजाक उड़ा है पाकिस्तान सुपर लीग का, जाहिर है पूरी लीग की लीग कॉपी है, पूरी लीग ही एक तरह का मजाक है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक जर्सी रिवील की है इनकी 2024 के पीएसएल के लिए। ये जर्सी 3 अलग अलग जर्सी इन्होंने रिवील की है, 1 जर्सी इनकी मेन जर्सी है, 2 जर्सी इनकी फैंस जर्सी है। जो मेन जर्सी है वो इंग्लैंड की नेशनल जर्सी की कॉपी लग रही है क्रिकेट टीम की, दूसरी जो इनकी 2 फैंस जर्सी है वो अलग अलग फुटबॉल क्लब्स की कॉपी लग रही है। एक तरह से इन्होंने पूरा कॉपी कर लिया है और अपनी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जर्सी बना ली है। भाई देखो सीधी बात है, बहुत सिंपल जर्सी है सीएसके की, लेकिन वो जर्सी एक आइकन बन चुकी है इस समय हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान में जो आईपीएल है ना वो ओरिजिनल चीज लाता है, सभी 200 टीमों को उठा लो ओरिजिनल जर्सी निकालते हैं, ये लोग पता नहीं क्यों कॉपी करने में लगे रहते हैं। एंथम उठाकर कॉपी कर लो, जर्सी उठाकर कॉपी कर लो, फॉर्मेट उठाकर आईपीएल से कॉपी कर लो, टीमें 8 कर लो आईपीएल जैसी, अब तो 10 हो गई है, इनसे हाथ नहीं पूर रहे, पता नहीं। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की, ऐसे बात करते हैं अफगानिस्तान के ओमर जई जो इस साल आईपीएल में खेलेंगे, आईपीएल पर बड़ी बात कह रहे हैं, कह रहे हैं प्लेइंग इन द आईपीएल विल हेल्प टी20 वर्ल्ड कप प्रिपरेशन। इस साल आईपीएल में खेलना मुझे बहुत मदद करेगा 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में मेरी प्रिपरेशन के लिए। आपको बता दूं ओमर जई इस बार इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा है, इस बार कई अफगान खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा है, और ओमर जई ही नहीं भाई कितने भी खिलाड़ी इस समय जो आ रहे हैं ना, मुख्य रूप से अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और स्टार्क की बात करूं तो इन दोनों का ही जो मेन मोटिव है वो इंडियन प्रीमियर लीग का फायदा टी20 वर्ल्ड कप से पहले उठाने का ही है, क्योंकि स्टार्क ने पहले ही कहा था कि भैया अच्छी प्रिपरेशन होगी आईपीएल में वर्ल्ड कप से तुरंत पहले।
अब उमर जय किस बयान पर, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स से जरूर बताना। क्या अगला आईपीएल नहीं खेलेंगे उमर जय, अगले साल वर्ल्ड कप नहीं, अपनी राय बताना। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो जॉस हेजलवुड अनसोल्ड हुए थे, बेशक इस समय फॉर्म में है, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अप्रैल में अपने पर्सनल रीजंस के चलते वो आईपीएल में उपलब्ध नहीं रह पाएंगे। दैट्स व्हाई आईपीएल टीमों ने बोली नहीं लगाई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह की बातें और हिंट वो दे रहे हैं, एंट्री उनकी मई में आईपीएल में हो जाएगी। कह रहा है वाज मोर गेम टाइम बिफोर, वांट मोर गेम टाइम आपकी जो बिफोर T20 वर्ल्ड कप, तो T20 वर्ल्ड कप से तुरंत पहले मुझे ज्यादा गेम टाइम की जरूरत पड़ेगी और मई में मैं फ्री हो जाऊंगा। मतलब इंडियन प्रीमियर लीग का सीधा सीधा हिंट दे दिया, क्योंकि मई में कहां गेम होंगे, पूरी दुनिया में बायलैटरल सीरीज तो होगी नहीं, सिर्फ आईपीएल होगा। मतलब साफ है कि हेजलवुड ने कह दिया है कि वो मई में उपलब्ध है, आप मुझे रिप्लेसमेंट के रूप में ले सकते हैं। कई सारी टीमें लेगी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आईपीएल में हम 15-20 खिलाड़ी हर साल देखते हैं जो आईपीएल खेलते हुए चोटिल हो जाते हैं और बीच आईपीएल में उनकी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसी स्थिति में हेजलवुड जैसा खिलाड़ी अगर मई में किसी टीम को जरूरत पड़ती है सबसे बड़ा खिलाड़ी होगा। तो हेजलवुड की एंट्री ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हद तक कन्फर्म है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि तीन टेंशन है इस समय, डेढ़ महीना बचा है, तीन टेंशन बीसीसीआई को आईपीएल को खाए जा रही है। जो पहली टेंशन है दोस्तों वो है शेड्यूल की टेंशन। शेड्यूल बहुत ज्यादा सैंडविच्ड हो चुका है, बहुत ज्यादा सीजनड हो चुका है। क्या है, क्यों पक गया है इतना रायता, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल इशू ये है ना कि T20 वर्ल्ड कप है तो आप लेट खत्म कर नहीं सकते, इंग्लैंड सीरीज है तो आप अर्ली स्टार्ट कर नहीं सकते, बीच में हो गए इलेक्शन तो इलेक्शन ने तड़का लगा दिया, इलेक्शन के कारण आप होम अवे मैचेस में करा नहीं सकते। तो इन तीन बड़े रीजंस के कारण अभी तक बीसीसीआई शेड्यूल नहीं ला पाया। बीसीसीआई का प्लान ये है कि वो दो अलग अलग हिस्सों में शेड्यूल को रिवील करेगा, बट वो कब करेगा ये कंफर्म नहीं है। हालांकि पहले कहा गया था कि फरवरी के पहले हफ्ते में बीसीसीआई की आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी, लेकिन वो भी टल गई है और वो भी फरवरी के मध्य में होने वाली है। तो अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। उम्मीद ये है कि फरवरी के अंत तक या फिर फरवरी के तीसरे हफ्ते में हमें आईपीएल का शेड्यूल देखने को मिलेगा। बड़ी दिक्कत हो रही है, पहले बीसीसीआई ने और जय शाह ने भारत की सरकार से भी बात करी थी और भारत की सरकार ने कुछ टेंटेटिव डेट्स बताई थी। दिक्कत यह है ना कि जब तक आप इलेक्शन की डेट नहीं लाते तब तक आप पूरा शेड्यूल तो नहीं ला पाएंगे, और वही स्थिति और पशुपेश इस समय शेड्यूल को लेकर लगा हुआ है, और टीमें भी अब डिमांड करने लगी है कि भैया शेड्यूल लाओ, तैयारियां करनी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की आपसे बात कर लेते हैं। तो दूसरी बड़ी टेंशन है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड बहुत बड़ी टेंशन इस समय बन चुका है आईपीएल के सामने। दरअसल नीलामी से पहले ही इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड साफ तौर पर यह बोल चुका था कि भैया देखो हमारे खिलाड़ी पूरा आईपीएल नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप के चलते वो बीच में छोड़कर जाएंगे। रिपोर्ट यह है कि 15-20 मई के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल छोड़कर जाना शुरू कर देंगे। ऐसी स्थिति में कई बड़ी बड़ी टीमों को प्लेऑफ के दौरान काफी घाटा लगेगा, क्योंकि उनके प्लेयर्स प्लेऑफ के दौरान उपलब्ध नहीं रह पाएंगे। एक तो शेड्यूल बन नहीं पा रहा, ऊपर से प्लेऑफ में कई टीमें घाटे में ऑलरेडी हो चुकी है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो बोलता है वो करता है, हमने पिछले साल के आईपीएल में देखा, उन्होंने स्टोक्स और आर्चर को मैचेस नहीं खेलने दिए तो नहीं खेलने दिए। कई मैचों में रिपोर्टेडली स्टोक्स फिट थे, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का आदेश आ जाता था आप नहीं खेलेंगे, नहीं खेलते थे स्टोक्स। हालांकि चेन्नई को घाटा नहीं हुआ उतना, चेन्नई खिताब जीत कर निकली, लेकिन हां यह हुआ कि इस बार ना स्टोक्स को लिया है ना आर्चर को, दोनों ने पहले ही मना कर दिया था आईपीएल में आने से। तो जाहिर है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड बड़ी दिक्कत है, डेढ़ महीने बचे। आगे बढ़ते हैं आठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो तीसरी बड़ी टेंशन इस समय जो है वो है भैया इंजर्ड प्लेयर्स, काफी प्लेयर्स इंजर्ड, स्पेशली काफी इंडियन प्लेयर्स इंजर्ड चल रहे हैं। सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस का, राशिद खान इंजर्ड है अफगानिस्तान के द ग्रेट लेजेंड, उसके अलावा शामी इंजर्ड चल रहे हैं, टॉम करन तो लगभग बाहर इंजरी के चलते, गायकवाड़ पर कोई क्लैरिटी नहीं है वो भी अभी इंजर्ड है, पृथ्वी शॉ का रिटर्न होना है, ऋषभ पंत का रिटर्न होना है, तो काफी दिक्कत है, काफी टीमों को दिक्कत है, एंड इंजरी बड़ा इशू बन गई है। हमने आईपीएल में इंजरी को इशू बनते हुए देखा है, लेकिन एक साथ इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इंजर्ड रहना बहुत कम रहा है। तो डेढ़ महीने बचे हैं और मुझे नहीं लगता बहुत सारे इनमें से वापसी कर पाएंगे, तो देखते हैं। और ये तीसरी बड़ी टेंशन इस समय आईपीएल के सामने मात्र डेढ़ महीने बचा है। तो ये तीन टेंशन थी, इनका क्या हल निकलेगा, क्या हल निकल रहा है, चाहे शेड्यूल हो चाहे इंजरी हो, वो हम यूट्यूब पर आगे आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम
टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लो, आपको मजा आ जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि 65,000 लोग फ्री में ज्वाइन कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर आप भी ज्वाइन हो जाओ और आईपीएल का पूरा मजा मिलेगा, बस पूरा। आगे बढ़ते हैं, नौवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया इंडिया ने टेस्ट सीरीज लेवल कर ली है इंग्लैंड के साथ, कल खुशी का पल रहा, भारत ने वाइजैक टेस्ट जीत लिया, बुमराह ने तगड़ी गेंदबाजी की। अब भैया तीसरा टेस्ट मैच राजकोट में 15 फरवरी को होने वाला है, तो लंबा गैप है, लेकिन इंडिया ने ये सीरीज जीतकर कम से कम जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेटिंग और रैंकिंग थी उसमें अपने स्थान को थोड़ा सा मजबूत किया है, और अगर आने वाले टेस्ट मैचेस भारत जीतता है तो फिर से पहले दूसरे स्थान की तरफ आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, दसवीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो टीम इंडिया के लिए लायक बनता है, स्क्वाड सिलेक्शन होने वाला है। दसवीं बड़ी रिपोर्ट यही है कि इंडिया इंग्लैंड दोनों ही टीमों के लिए बचे हुए 3 टेस्ट मैचों का स्क्वाड का सिलेक्शन आज कल परसों आने वाले 3 दिनों में हो जाएगा। 9 दिनों की अभी विंडो है, रेस्ट टाइम है दोनों ही टीमों के लिए। राजकोट में अगला मैच 15 तारीख से होना है और उससे पहले स्क्वाड सिलेक्शन होगा। सवाल विराट कोहली पर भी है, सवाल जडेजा की एंट्री पर भी है, सवाल केएल राहुल की फिटनेस पर भी है। देखते भैया भारत की स्क्वाड कैसी आई। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अपनी राय बताओ कमेंट बॉक्स में, कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। YouTube ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, तो अपनी राय जरूर लिखे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।